बहुत छोटी उम्र में मैंने सिगरेट पीने शुरू कर दिए, कुछ 7-8 साल की उम्र में मैंने सिगरेट पीने शुरू कर दिए। गांव में थे तो कोई माहौल तो था नहीं, तो घर वालों को पता चल गया, तो अब मुझे सिगरेट से रोकने के लिए समझाया जा रहा है। जी कैसे समझाया जा रहा है? मेरी माँ ने मेरा मुंह खोला नहीं करके, तो मेरे मासी ने चिमटा नपे ते विच अंगारा तो अई कर ठोका तेरे मुंह में, ठोका तेरे मुंह में, ये मुझे सिगरेट से रोका जा रहा है। जी मुझे मंजर नहीं भूलता, मेरी माँ ने दोनों हाथों से मेरे जबड़े यूं खींचे और मेरी मासी ने अंगारा चिमटे में डालकर पावा तेरे मुंह में, पावा तेरे मुंह में पीने का सिगरेट, ओ मैं नहीं पींदा, ओ मैं नहीं पींदा। ठीक, बाहर निकल कर मैंने पहला काम सिगरेट सुलगाया और मेरे छोटे भाई ने देख लिया मेरी मुसीबत, तैर मियाँ वो मुझसे भी 2 साल छोटे, 5 साल था, मैं 7 साल और 5 साल, मैं कहे तो मेरी शिकायत लावेगा, मैं कहा तुल्ली मैं कहा तुल्ली दे, मैंने उस सिगरेट उसके मुंह में लगाया, तू भी पी मैं भी पीना, ताकि मेरी शिकायत न लगाए। तो आज के माँ बाप बड़े जाहिल हैं, हम बड़े एजुकेटेड हैं, मैं कहता हूँ इंतहाई जाहिल हैं, जिन्हें बच्चों को लेकर चलना नहीं आता, जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं, उन्होंने खाक पढ़ा है, कागज की डिग्रियों को इल्म बना के फिरते हैं, जिससे मेरे नबी की जिंदगी का पता नहीं, अल्लाह की कसम जानवर से बदतर है, जाहिल तरीन है, जिससे मेरे जिसे अपने आका की जिंदगी की खबर नहीं। हसन आपके पेट पर बैठे हुए, आप उनके साथ खेल रहे हैं, अचानक हसन ने पेशाब शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं, मेरे बच्चे बच्चियां माशाल्लाह, मैंने उनको उठाया हुआ था और मुझे पेशाब महसूस हुआ तो मैंने उसे बैठे रहने दिया हो, मुझे याद, मैं उसी वक्त पीछे या मंजीते सटे या हेठा सटे पेशाब उत्ते करता उल्लू जाए ने। ठीक, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन आपके पेट पर बैठे थे, पेट नंगा था, तो आप उनके साथ खेल रहे थे तो उन्हें पेशाब शुरू कर दिया, मेरे नबी ऐसे बेहिस्स हरकत हो कि कहीं बच्चे मेरी हरकत से बच्चे का पेशाब ना रुक जाए, तो आप ऐसे हो गए, तो पूरा पेशाब किया और आप हिले नहीं, हिले नहीं, जब वो पेशाब से फारिग हुए फिर आप उठे और बच्चे को अलग बिठाकर अपने जिस्म पे पानी डाल के अपने आप को साफ करके तो आके दोबारा उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं आपको अपनी नबी की वो जिंदगी बता रहा हूं जिसको अपनाने से मेरी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी भी। हम फख्र से कहते हैं हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, मेराज पे आसमान चीर के चले गए, ये बहुत बड़े मोजज़ात हैं, लेकिन मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा है कि हमें एक खूबसूरत जिंदगी सिखा कर गए। आपके अखलाक, मेरे नबी के अखलाक, मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हसन को आगे बिठाया हुआ रज़ियल्लाहु अलैहिम अस्सलाम, तो उनको ऐसे जबान दिखाते हसन को था, तो हसन उसको पकड़ने की कोशिश कर, जो ऐसे हाथ मारते तो आप जबान मुंह में कर, अच्छा वो हंस पड़ते, बच्चा हंस पड़ते, तो फिर उसके बाद आप यूं करते, तो फिर हसन आगे हाथ मारते, फिर आप जबान मुंह में कर लेते, फिर वो ये करते हंसते, फिर आप चुप हो जाते। कितनी देर आप हसन के साथ ये खेल खेलते, आप गली में गुजर रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों में हुसैन खेल रहे थे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, पकड़ो भाई, तो वो आगे भागे, तो आप पीछे जानबूझ के जैसे हम करते हैं वजाल सबी यलब हा होना वहा होना, जब वो इधर जाते तो आप आगे हो जाते, वो इधर आते आप इधर हो जाते, पूरी गली ये तमाशा देख रही है और हसन कभी हुसैन कभी आगे भाग रहे कभी पीछे भाग रहे और आप जानबूझ के उसको
पकड़ नहीं रहे, हाँ अब पकड़ो भाई। और वो बड़े हंस रहे हैं कि आज मेरा नाना तो मैंने नप ही नहीं सकता। तो ये थोड़ी देर जब ये खेल चलता रहा, फिर आपने उनको कहा ये पकड़ लिया और उठाया और होंठ चूमे और माथा चूमा, कहा हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। मेरे भाई बहनों अजीजों, इस्लाम ही तो खूबसूरत जिंदगी सिखाता है, वही हमने भुला दिया। कपड़े कैसे हो, टाई कैसी हो, कोट कैसा हो, गाड़ी कैसी हो, खाना कैसा हो, लिबास कैसा हो, सवारी कैसी हो, घर कैसा हो, ड्राइंग रूम कैसा हो, मैचिंग कैसे हो, भला इसको जिंदगी थोड़ा ही कहते। तो आप सबसे कहता हूं कि अपने नबी की जिंदगी और सीरत को पढ़ें, उसको सीखें। ये तबलीग का काम एक अमली मेहनत है सीखने। इन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये परवान चढ़ा तो इनके अंदर अल्लाह उसके रसूल का प्यार हो, तो फिर ये खुद ही चलना शुरू करेंगे। ये मैंने सीरत की चंद झलकियाँ, चूँकि आप पूरी फैमिलीज बैठी हुई हैं और फैमिलीज़ के रिश्तों में माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, खामिंद का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, ये चंद बड़े रिश्ते हैं, इसी को मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि इसको सीखना पड़ता है, इसके लिए अपने ज़ात से लड़ना पड़ता है, तब जाकर जिंदगी में हुस्न और कमाल पैदा होता है। मेरी बात याद रखिएगा, कभी जिंदगी को खूबसूरती चीज़ों से नहीं मिलती, जिंदगी की खूबसूरती मेरे नबी वाले प्यारे अखलाक के साथ। जिसको ये मिल गए उसके घर में चौदहवीं का चांद हर वक्त चमकेगा और निसफ़ नहार का सूरज हर वक्त चमकेगा। जिसके अखलाक बिगड़ गए उनके दिन भी रात बन जाएंगे और रात भी रात बन जाएगी। अल्लाह इस नस्ल को आपकी आंखों और हमारी आंखों की ठंडक बनाए और ऐसे हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। हमने ऑनलाइन भी शुरू किया है ताकि दूर के जो बच्चे हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसकी हम ऐसे शाखें नहीं बना सकते कि हम इसे कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं कि वे शाखें बना दें और फिर अपना पैसा बनाएँ। हम एक चीज़ यहाँ तैयार कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो ही आगे जाए, उसी को आगे पहुँचाया जाए, तो इसलिए फिर ऑनलाइन शुरू कर दिया ताकि पूरी दुनिया के बच्चे बगैर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकें। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए और हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह मलकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्ले अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक्वा व अहलुल मग़फिरा। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما। मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, तू ही है जो अंधेरों को रोशनियों में बदलता है, तो सूरज को रोक ले तो रात का अंधेरा छा जाए, तो रात को रोक ले या अल्लाह काली रात छा जाए। मेरे मालिक, हमारे दिलों पे अंधेरे छाए हुए हैं और हम बेबस हो चुके हैं, पूरी दुनिया का बातिल हमारी इज्जत से खेल रहा है, हमारी जानों से खेल रहा है, हमारे मालों से खेल रहा है, हमारी नस्ल से खेल रहा है, हमारे ईमानों से खेल रहा है। या अल्लाह, हमारी बेबसी की इंतहा हो चुकी है। मेरे मालिक, तू हिदायत का फैसला फरमा दे, तू हिदायत का सूरज निकाल दे। या अल्लाह, कभी तेरी धरती इतनी गंदी नहीं हुई जितनी आज गंदी हो चुकी है, कभी ये गुनाहों का उबलता हुआ गटर ऐसी नहीं बनी जैसे आज बनी हुई है। छः के छः बर्र आज़म तेरी नाफरमानी से भर चुकी। अल्लाह, मैं तेरे रहम पर कुर्बान जाऊँ, तेरे दरगुजर करने पे कुर्बान। तू किस तरह हमें ढील दे रहा है। या अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, कौम आद और समूद की बिजलियों की कड़क वाली तारीख ना दोहरा, यूनुस अलैहिस्सलाम वाली कौम की तारीख को दोहरा दे, यूनुस अलैहिस्सलाम वाली कौम की तारीख को दोहरा दे, और पूरी धरती को फहाशी से पाक कर दे, आवारगी से पाक कर दे।
میرے مالک ایمان بچانا ہی مشکل ہو گیا, شہر گندے ہو گئے, پہاڑ گندے ہو گئے, دیہات گندے ہو گئے, تیرے پاس پہنچنا ہے ایمان کو بچا کے, اخلاق کو بچا کے, راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, ہم اندھیری رات کے مسافر بن چکے, علم صحراؤں میں گم قافلہ بن چکے, کالے پہاڑوں میں بھٹکے ہوئے راہی بن چکے, ہمارے راہبر بھی راہرو بن چکے ہیں. میرے مالک تیرے پیارے بندوں سے تیری دھرتی خالی ہوتی چلی جا رہی ہے, یا اللہ میرے اللہ تو آ جا, تو آ جا یا اللہ, آ جا میرے اللہ, تو آ جا میرے اللہ, یا اللہ یا اللہ, ہماری تدبیروں سے بات آگے جا چکی, آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ, آج کے نمرود بڑے طاقتور ہیں یا اللہ, آج کے قارون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ, ان میں یا اللہ خدائی کے دعوے پیدا ہو چکے ہیں میرے مالک, اور ہم بے بس ہو چکے ہیں یا اللہ, جیسے ایک بوڑھا یا کمزور بچہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا, ہمارے پاس آنسو اور آہوں کے سوا کچھ نہیں ہے, یہ ہماری معصوم سی نسل ہے اے اللہ. میرے مالک اسے شیطان نوالا بنا رہا ہے یا اللہ, یہ فحاشی کے دریا میں بہ گئے ہیں یا اللہ, ہم بے بس خاموش تماشائی ہیں, تو آ جا یا اللہ, تو آ جا میرے اللہ, ان حال والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے, یہ اسپیکر والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, اس پر کام کرنے والوں کو ہر خیر عطا فرما, ہم سے راضی ہو جا, ان سب سے راضی ہو جا, وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم, آمین. مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے. شکریہ.